जय श्री राम, जय बद्रंगली जी महाराज, जय हो आपकी। 3:45 हो गया जी, लेट हो गया, उठा ही नहीं गया। गर्मी रात, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, नींद लेट आई है, 11:30 बज गए थे, नींद आई जब तक। चलते हैं जी, भागते हैं दिल्ली की तरफ तारने के लिए। भीड़ी गली में लगने वाली है चक्कर, बंदे चार चाहिए, मैंने चार बोल रखे लेबर वालों को। तो देखते हैं जी कितने बंदे आते हैं, लगाते हैं जी जाके। दिल्ली में एंटर करेंगे पहले बॉर्डर पे, टैक्स कटवा के चलते हैं जी, भागते हैं, शुरू करते हैं जी। टैक्स बोर्ड है, बंदे हैं, चौथा बंदा कहाँ गया? दिल्ला है, खुशीराम ने लाया है। ये तो राजस्थानी की लगी हुई है अभी, DL1, और वो आवे है 2 मिनट में। ले उसे लगा दिया, पहले सीधी थी फिर वहां से घुमा के लेके आया हूँ। वो इंट ज्यादा ही भारत कुछ पर ली तरफ, राजस्थानी की ये करी थी, राजस्थानी का ये बन गया पूरा मकान राजन का। यहाँ उतारेंगे, लग गए CBC मार्केट गेट। 2016 में लॉन्च हुई थी, 16 में बेचनी शुरू करी थी। उससे मकान बताता हूँ देखो कौन से बन रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये राजस्थानी का ही मकान है, इन्हीं के जिनका ये बना था ना DL से, उनका मकान ही ये, भाई का पता नहीं चाचे का दूसरे का। और इस गली में कम से कम 10 मकान बने हुए हैं, 17 नंबर है ये। और ये वाला अपने DL का हो गया, ये CBC का हो गया, 5-6 इस गली में हो गए। और ये पूरा मकान CBC इंटर से बना हुआ है ऊपर तक, दो है ये अलग अलग। और ये पूरा देखो बिल्कुल नीचे से लेके ऊपर तक CBC इंटर बना हुआ है, डॉक्टर मौर्या का। इनके इंटे यहाँ लगती थी ट्रांसफॉर्म के आगे, गाड़ी खड़ी है जो। 5-6 मकान इस गली में बने हुए हैं, पूरी लंबी गली है ये विश्वकर्मा रोड की। इस पे बहुत सारे मकान बनवा दिए CBC इंटर से, और अब DL चल रही है तो DL से भी बहुत सारे मकान बनवा दिए इसी गली में। और ये गली है 20 नंबर तक है, 1 से लेके वहाँ से 20 नंबर तक। मैंने मेरी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा इंटे CBC की बेची हैं, और अब दूसरे नंबर पर होगी DL1 सबसे ज़्यादा। और एक जो टाइलें होती है वो RBF भट्टे की सबसे ज़्यादा बेची हैं, CBC सबसे ज़्यादा, फिर उससे नीचे DL1 आएगी मेरे हिसाब से तो, और उससे नीचे उसके बराबर की एक नंबर के जो CBC के बराबर की टाइलें बेच रखी है। बहुत सॉरी लगे हुए हैं, और बंद के समचे की और सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई वाले इंटे अगर बेची हैं तो वो RK1 है, जो ब्रांड इंटे हैं सोने जैसी, बिल्कुल साफ सुथरी और सफाई वाली थी, जो पिछले साल बेची थी हमने पूरा सीजन। आपने वीडियो देखी होगी, आज़ादी खाली हो गई, घुमा के वहाँ से घुमा के ले आएंगे जहाँ ट्रांसफॉर्म है वहाँ से घुमा के फिर लगाएंगे। जैसे घुमा के लगा रखी है, 5 मिनट का ही काम रहेगा बस। खेच दे भाई खेच दे, गाड़ी आवेंगी बस। खाली कंप्लीट, भट्ठे का रास्ता, सिर्फ भट्ठे के रास्ते में खड़ा हूँ, 2 मिनट का रास्ता रह गया भट्ठे का। तो जी खाना भी नहीं खा गया है, भूखा ही आ गया। 1, 2, 3 ट्रैक्टर मैंने ओवरटेक करे हैं, कोई खाना खा रहा था, कोई खड़ा था, कोई पेट्रोल पंप पे था, 3 ट्रैक्टर ओवरटेक करे हैं। और इस चीज़ के डर में कि भाई रात
जो गुल्लू वाला था, गुल्लू कम से कम उसकी वर्दी थी उन्होंने लगे हुए थे, वो गया था 11 बजे 11:30 बजे कमरे पे पहुंचा होगा। फिर उस बात के डर से मगा वही है, तो तीन तीन आज और 9:20 या 22 मिनट हुई हैं, इतना टाइम ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ। इस मगा वही है, तो आज तो तेरे को 9:10 बजे आएंगे। चलो जिसके पास में एक दो दो तीन तीन ट्रैक्टर है वो तो चलो भाई दो भर जाए, एक खाली रह जाए तो कोई समस्या नहीं है। अब हमारे वाला जैसे एक है भाई, हमारा ही खाली रह जाए, जैसे रात गोल्लू का था एक अकेला ट्रैक्टर है उसके पास में, अगर उसका अकेला ही खाली रह जाए तो भाई उसमें समस्या होती है। एक बंदे की तो चलो भाई, अगर जिसके पास दो तीन चार हैं वो तो एक खाली रह जाए कोई बात नहीं होती, वो सुबह भर जाए अगले दिन लेके जाए, और हमारा तो एक ही खाली रह गया तो भाई हम तो भूखे रह जाएंगे उस दिन। ठीक है चलो भाई, भूखा तो आ गया, मैं देखते हैं क्या रहेगा, भट्ठे पे जाके देखते हैं, कुछ खाने का होगा तो भट्ठे पे खाएंगे, नहीं तो फिर ऐसे ही छोड़ना पड़ेगा, फिर नींद भी नहीं आएगी भूखे का, तो देखेंगे क्या प्रोग्राम रहेगा। अरे बादल उठ गया पूरा जोर का, बढ़िया वाला, बरसेंगे कि नहीं बरसेंगे ये पता नहीं राम जी का। अरे उड़ने से पहले ये खड़ा देख लो, नहीं लगा रहा है। नीचे वाली ये गाड़ी बेकार सी है ना, तभी डाल खोल भी दिया लगा दिए। लवी जैसा भूखा आया था बजरंग बली जी महाराज ने सुन लिया अपनी, तो ट्रैक्टर लग गया, कह रहे भैया अभी भरेंगे, जो भी पहले आएगा भट्ठे के पास में या निकासी पे आएगा जो भी पहले आते ही भरा जाएगा। लग गया उन्हें अभी तुरंत ये भी ओवरटेक करे ना, ट्रैक्टर देख लो कितने इकट्ठे हो गए, अपने वाले लोड हो गया, डाला खोल के लगा दी, वेरी गुड, अपने वाले लोड हो गए भाई, पल्लड़ मारेंगे अभी जी, भर गया पल्लड़ लगा लिया, रस्सी भी लगा ली, मैं तो सो गया था और कमरे पे चले गया था भाई किसी काम से, बैंक में कोई काम था, और नहा के धो के ड्रेस चेंज करके आ गया। देखो अभी चलते कमरे की तरफ, वहीं जाके वार्तालाप करेंगे सारी। लो जी कमरे पर पहुंचे, लो जी खाना खा लिया, नहा धो के बढ़िया तरीके से सोने की तैयारी है जी। सबसे पहली बात है कि भाई इस भट्ठे पे इतने ट्रैक्टर क्यों आते हैं, आप लोग देखते ही होंगे कि भाई कई ट्रैक्टर नंबर के हिसाब से भी भरते हैं और खाली भी रह जाते हैं, और सबसे ज़्यादा डिमांड में है ये घंटे, तो आपको बता देता हूँ, मतलब जो सबसे ज़्यादा आवाज़ वाली और साफ सुथरी भी है थोड़ी बहुत, ऐसी नहीं है कि भाई बिल्कुल इसमें सफाई नहीं है, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, जैसे कोई भी ईंट नॉर्मल हो गई, जैसे ये नॉर्मल ईंट है, ना इतनी ज़्यादा बढ़िया और ना इतनी ज़्यादा कि भाई कॉस्टली है, ये नॉर्मल ईंट है, रेट में भी नॉर्मल है और आवाज़ बहुत ज़्यादा है, कहीं से भी गिर दो, बिल्डर के यहाँ सबसे ज़्यादा ईंटें वही चलती हैं जो जिसमें सबसे ज़्यादा आवाज़ होगी, और जो गिरते ही टूटे नहींगी, गिरते ही टूटने का मतलब ये होता है कि भाई बिल्डर के यहाँ जैसे हमने खुल जो चट्ठे में ईंटें लगाते हैं स्टॉक पे लगा के आते हैं, जैसे दो चक्कर लगा दिए, तीन चक्कर लगा दिए, अब भी काफ़ी सारे ईंटें लगा रखे हैं हमने, तो उसके हिसाब से बता रहा हूँ, वो जाती हैं खुले ईंटें, एक एक 1,000, 500, 500, 200, 200, 300, 300, वो गिन के खुली डालते हैं, खुली डाल के और खुली ही डाल के आते हैं साइड पे, जिसके यहाँ भी डाल के आनी है, 1,000 होगी, 500, 400 जितनी भी होगी, 2,000 भी, दो दो तीन तीन हज़ार भी गाड़ी से खुली डालते हैं और बेच के और साइड पे डाल के चले आते हैं। तो उसके हिसाब से बता देता हूँ, जॉइंटें खुली डलेंगे गाड़ी में, ट्रैक्टर में या फिर छोटे से ट्रैक्टर में उसमें, तो वो इंटें टूटनी नहीं चाहिए, जैसे खुली डाल रहे हैं ना गिन के, हम भी डालते हैं, आपने देखा ही होगा वीडियो में काफ़ी सारी में, तो वो इंटें गिरते ही टूटनी नहीं चाहिए, ट्रॉली में डाल रहे हैं या छोटे ट्रैक्टर में, पिकअप में या फिर मैक्सिमो एक छोटी गाड़ी है उसमें, तो वो अगर गिरते ही टूटेंगे तो वो इंटें दो बार वहाँ से पटकी गई और एक दो बार हमारे यहाँ पटकी गई, जैसे ट्रॉली में डालते हुए निकासी से बाहर निकालते हुए और हमारे वहाँ उतारते हुए और हमारे वहाँ उतारने के बाद में फिर वो लोड करते हुए और फिर वो लोड करने के बाद में वहाँ से जो वो नीचे खुली डाल के आएंगे डंपर के साथ में नीचे गिरा के आएंगे,
तो वो इंटे भाई काफ़ी ज़्यादा डिफेक्ट हो जाती हैं। तो ऐसी इंटे चलती हैं जैसे जितनी इनमें आवाज़ है जितनी इनमें ताकत है, तो ये पाँच पाँच एक एक दो दो परसेंट ही कमज़ोर होंगी। ये नहीं है कि भाई 20-30% कमज़ोर होगी 100 में से और इंटे टूटने लगेंगी, इंटे बेकार हो जाएंगी। जो इंटे जिनमें आवाज़ नहीं होती वो इंटे पटकने से ही एक बार जाके उतर जाएगी ना, उसके बाद में ही कमज़ोर हो जाएगी वो, अगर हल्की इंटे होंगी तो, मैंने पिछली वीडियो में बताया आपको। तो इसके हिसाब से ज़्यादा डिमांड में और ज़्यादा ट्रैक्टर इन इंटों को भरते हैं और यही इंटे चलती हैं बिल्डर के यहाँ भी और साइडों पर भी। जैसे अब हमारी इंटे जो ये इंटे हैं अब 300 रुपये महंगी भी क्यों ले रहे हैं लोग, 400 रुपये महंगी भी हमारे से क्यों ले रहे हैं लोग। अगर DL1 की इंट मेरे पास में ना हो ना तो मेरा काम नहीं चलेगा, क्योंकि 300 रुपये महंगी इंटे बहुत रेयर चांस है कि भाई कोई लेगा 300 रुपये 400 रुपये महंगी। लेकिन बिल्डर के पास में तो काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं इंटों के, भाई हल्के भी भारी भी बढ़िया भी घटिया भी सारी चीज़ों के सारी इंटों के ऑप्शन होते हैं। लेकिन जो ग्राहक डिमांड करेंगे कि भाई हमारे को बढ़िया इंट चाहिए नॉर्मल रेट में बढ़िया इंट है हमारे पास में DL1 है, तो ये इसीलिए मेरा काम चल रहा है, इसीलिए सभी का काम इसीलिए चल रहा है हमारे पास में। तो देखो एक बिल्डर है, एक ही बिल्डर के पास में जाता हूँ मैं तो, और वही हमारे पास में यही इन्हीं इंटों की डिमांड है बस DL1 की, और दूसरी इंट ना आपकी बार RK1 चली, RK1 भी चलो नॉर्मल रेट है उसका भी, लेकिन वो चल नहीं रही आपकी बार चली नहीं, तो वो एक ट्रांसपोर्ट होता है कि ट्रैक्टर वाले को भी कितना चलना पड़ रहा है। अगर हमारे को सबसे पास में यही भट्ठा है DL1 और जो और भट्ठे हैं वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, किलोमीटर हो गया 2 किलोमीटर हो गया 5 किलोमीटर हो गया, 5 किलोमीटर का भी हमारे को बहुत फ़र्क पड़ता है क्योंकि भाई डेली आना डेली जाना और रेट वही होता है नॉर्मल वाला, जितना भी अगर जितना आगे जाएंगे तो उसके हिसाब से रेट हमारे को फालतू नहीं मिलेगा। लेकिन जो खर्चा डीजल हमारा लगेगा फालतू या फिर टाइम फालतू लगेगा वो हमारे को हमारे से ही देना पड़ेगा, वो बिल्डर उस चीज़ का कोई पैसा नहीं हमारे को मिलेगा, लेकिन जो खर्च होगा वो हमारा ही होगा, हमारे ट्रैक्टर का हमारे साधन का जो भी है वो खर्च हमारा होगा, लेकिन उस पर कॉस्ट नहीं बढ़ती है, रेट नहीं बढ़ता। हाँ लेकिन नॉर्मल ईंट नॉर्मल रेट में जो और भट्ठा होगा DL1 के अलावा वो हमारे आसपास में कोई भट्ठा भी नहीं है, लेकिन इंटे बहुत सारी हैं DL1 भी और CBC भी। CBC में थोड़ी सी हल्की सी इससे सफाई कम है, लेकिन पहले जब CBC में बहुत ज़्यादा सफाई होती थी तो मैंने दिखा दिया सुबह आप लोगों को कि भाई बहुत ज़्यादा मकान बनवा रखे हैं मैंने, 2016 में लॉन्च हुई थी, 2016 के बाद में वही चली है, फिर 19-20 तक भी वही चली है, फिर 21 में भी चली है, 22 में और 23 में थोड़ा सा काम बंद हो गया था, 23 में तो हमने RK1 दी है और 24 में आप देख लो हम DL1 ही चला रहे हैं। पहले CBC बढ़िया होती थी, DL1 तो खैर 2020-21 के बाद ही शुरू हुई है, लेकिन DL1 21 में 22 में बढ़िया नहीं थी, फिर CBC बढ़िया थी सब। अब CBC की जगह DL1 बढ़िया आ रही है, अब CBC नहीं चल रही है हमारे यहाँ भी, और आप लोगों ने देख लिया कि भाई DL1 ईंट कहीं से भी गेर दो कहीं से भी डाल दो ईंट में जान पूरी है, तो और इसीलिए हमारा काम चल रहा है। लेकिन मेरे पास में अब की बार अगर DL1 मेरे पास नहीं होती तो भाई मेरा काम अब की बार बिल्कुल भी नहीं चलता और बस सब कुछ सिस्टम ख़त्म हो जाता। लेकिन ये सारी चीज़ें एक ताकतवर ईंट और नॉर्मल रेट की वजह से हमारा जो मेरा है मेरा काम चल रहा है। लोगों का मेरे को पता नहीं भाई, महंगी भी जा रही हूँ सस्ती भी जा रही हूँ, लेकिन मेरा नॉर्मल रेट भट्ठे का नॉर्मल रेट आगे का भट्ठा आगे का रेट जो बिल्डर के यहाँ जा रहा अपना रेट वो मेरा नॉर्मल रेट है। तो ये चीज़ है जी, हमारा जो डिमांड है भट्ठे की काफ़ी सारे ट्रैक्टर भरते हैं, 5-6-7-8 भी ट्रैक्टर भर जाते हैं सीजन में, आपने देखा ये कितने सारे ट्रैक्टर भर रहे थे, किसी के पास 4 है किसी के पास किसी के पास 5-6 मेरे पास 1 है किसी के पास भी 1-2 ऐसे है। तो इसीलिए भाई ये डिमांड में इसीलिए ताकतवर भी और नॉर्मल रेट भी है और अच्छी इसमें जो क्वालिटी है वो भी थोड़ी सी अच्छी है। तो ये सारी जानकारी मैंने दे दी, कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना, सोने की तैयारी है जी, सारे सो गए मैं जाग रहा हूँ, 10:20 होगी। तो चलिए जी इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोग जल्दी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाबा थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, बिल्कुल आराम से बोल रहा हूँ, किसी को डिस्टर्बेंस ना हो। तो चलिए जी एंड तक देखने, धन्यवाद।